वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। लॉकडाउन के पांचवें दिन चलिए मेरे साथ एक नए सफर पे। आज के सफर में भी हम एक नई रेसिपी सीखेंगे, और ये रेसिपी किस पे हो सकती है? सोचने वाली बात है। ये रेसिपी है गोल गोल कद्दू। बनाए क्या आज? चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ नया खाते भी हैं। कद्दू, जिसे हम रोंगा लाव, काशी फल, पंपकिन के नाम से जानते हैं, आपने खाया तो ज़रूर होगा। और इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, वेट लॉस, एस्थमा, हाइपरटेंशन, ये सबको कम कर सकता है। शायद आपने इसके छिलके की सब्जी के बारे में कभी नहीं सुना होगा, है ना? तो क्यों ना इसके छिलके की सब्जी बनाना सीखें आज एक साथ। लॉकडाउन के पांचवें दिन में हम सीखेंगे कद्दू के छिलके की सब्जी। कद्दू के छिलके की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कद्दू, जो इस तरह का हो, ग्रीन कलर का। थोड़े थोड़े उसमें ये ऑरेंज वाले पैचेस होने से कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा पका हुआ होने से हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका छिलका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसको हमने ऐसे करके पील कर लिया है, पील करके रखा हुआ ये छिलका, और फिर हमने इसको ऐसे लंबाई में काट लिया। एक मीडियम आलू, जिसको हमने ऐसे काट लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। एक मीडियम ओनियन है, जिसको हमने काट लिया है। हमें चाहिए थोड़ी मेथी, नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला, मस्टर्ड ऑयल। अगर आप रिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसमें एक कच्ची तेल डाल दिया है कढ़ाई में, गैस ऑन कर दिया। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले मेथी डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम सबसे पहले इसमें आलू फ्राई कर लेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू गोल्डन हो चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई से। गैस कम करके निकालेंगे यहाँ से। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। ये भून चुकी है, अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। देखिए, अभी हमने इसमें प्याज डाल दिया है और ये भून रहा है। इसको भी गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। गैस ऑन करेंगे, नमक डालेंगे, ये सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा मीठा डालेंगे, मिर्च पाउडर, गरम मसाला। सब्जी को अच्छे से और इसे ढक कर रख देंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ढक्कन से ढक के इसको रख देंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए, पानी पूरा सूख गया है और सब्जी बन के रेडी हो गई है, तेल से उड़ गई इसमें। अब अगर आप चाहें तो इसको और क्रिस्पी कर सकते हैं, जितना क्रिस्पी करना हो आपने। और आप इसको दाल, रोटी या चावल, जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहते हैं
अच्छा है, बहुत टेस्टी लगती है, अलग सा टेस्ट आता है इसको। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और गैस स्टोव में निकाल लेंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आई और इसको लोहे की कढ़ाई में ज्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए। सब्जी बनते ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो सब्जी काली हो जाती है। कद्दू के बीज भी खा सकते हैं? जी हाँ, इन बीजों को धोइए, फिर सुखाइए, फिर छीलिए और हलवे या एवी खा जाइए। उसमें क्या ज्यादा है, B12 से तो भरे हुए होते हैं। खाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। इसी के साथ आज ये ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और क्या करना चाहिए आपको, इसके बाद एक और स्टेप होता है ना आपका, हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में वो घंटी वाला आइकन बजा देंगे ना, तो आपके हर संडे में आपके फ़ोन में मैं घंटी बजाऊंगी। मेरी हर एक नई वीडियो के साथ वो घंटी आपके फ़ोन की बजाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना। चलो मैं रखती हूँ, बाय।